तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है जो YT स्टूडियो में जो वॉच टाइम और व्यूज कम जाता है, क्यों कमता है, असल में कमता नहीं है और वो टोटल नहीं दिखाता है। आज हम टोटल देखना सीखेंगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, फाइनली हमने हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और दोस्तों, मेरा YT स्टूडियो में जो प्रॉब्लम दे रहा है वो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, मेरा YT स्टूडियो है यहाँ पर। और दोस्तों, जो आप लोगों का व्यूज और वॉच टाइम कम जाता है वो प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और असल में व्यूज और वॉच टाइम कमता नहीं, आप लोगों को देखने में थोड़ा गलती होता है। तो दोस्तों, चलिए गलती को सुधारते हैं और मेरा YT स्टूडियो खोल लिया हूँ। बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा वॉच टाइम है 21.6 और मेरा व्यूज है 1.7 है। और दोस्तों, मैं जहाँ पर दिखाता हूँ वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों देखिए, ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों, आप अगर व्यूज देखना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यूज वाला, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं दिखा लिया हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ऊपर में लास्ट 20 डेज वाला ऑप्शन है, वहाँ पर दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैंने क्लिक कर लिया और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे में लाइफ टाइम वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने क्लिक कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा व्यूज देख सकते हैं 3031 है। फिर दोस्तों, मेरा ये है वहाँ पर दिखाता है 1.7 के। तो दोस्तों, अब हम वॉच टाइम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वॉच टाइम वाला ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए ये वाला ऑप्शन। तो दोस्तों, मैंने कर लिया क्लिक और दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फिर वही एक ही प्रोसेस करना होगा। तो दोस्तों, मैंने कर लिया, यहाँ पर दिखा रहा है 33.2 आवर्स वॉच टाइम है। तो दोस्तों, वहाँ पर मेरा दिखा रहा था 21.2 वॉच टाइम। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग देखने में गलती करते हैं। तो दोस्तों, यही था एक प्रोसेस जिससे आप लोग टोटल देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इतना ही था।